नमस्कार। एक आया बयान इलॉन मस्क का, दुनिया के सबसे अमीर आदमी। उन्होंने बोला यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप नहीं मिली है, ये गलत है। चार मेंबर्स, पांच में से चार मेंबर्स इंडिया के फेवर में हैं, और अब तक क्यों नहीं दी गई? इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी और इतनी बड़ी पावर है। ये वही इलॉन मस्क है जो कि अभी कुछ दिन पहले तक इंडिया में कार नहीं बनाना चाहते थे। इनकी भाषा चेंज हुई तो क्यों भी? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आलोक पांडे जी। आलोक पांडे जी अपना एक आईएएस का कोचिंग सेंटर चलाते हैं, साथ में एक्सपर्ट हैं, और ये इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ साथ अपनी इंटरनल इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स पे भी अच्छी पकड़ रखते हैं। कई अलग अलग चैनल्स पे आप इनको देख सकते हैं, ये अपनी अपना ज्ञान का भंडार खोलते हैं। आज हमारे चैनल पे यही काम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। सर एक थैंक यू। चीज, नमस्कार। इलॉन मस्क का हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? देखिए रोहित जी, व्यापारी का हृदय परिवर्तन सिर्फ धन देख के होता है, और इलोन मस्क भी व्यापारी हैं, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन हैं, और भारत दुनिया की पांचवी इकोनॉमी है, तीसरी होने जा रही है, पहली हो भी जाएगी। यानी अब जो कहते हैं कि व्यापारी वो सब सूंघ लेता है जो एक आम आदमी कभी सूंघ नहीं पाता। धन के मैटर में व्यापारी की नजर बहुत वो संजय वाली नजर होती है, महाभारत वाली, तो वो सब देख लेते हैं। तो इलोन मस्क का जो प्यार है, वो प्यार सिर्फ भारत की बढ़ती हुई आर्थिक साख है, और वो चाहते हैं कि भारत के तरफ से अगर बैटिंग कर दी जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ फेवरेबल पॉलिसीज बन जाए, जो नितिन गडकरी जी ने या भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने पहले ही मना कर रखा है कि आपको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। अगर आप वीआईपी ट्रीटमेंट चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उन पॉलिसीज के तहत आइए जिस पॉलिसीज के तहत दुनिया की सारी कंपनी आ रही हैं। सिर्फ एकमात्र वीआईपी ट्रीटमेंट भारत सरकार के पास वही है। बोले आपके लिए अलग से कोई ट्रीटमेंट नहीं देने जा रहे हैं। तो इलोन मस्क सोच रहे हैं कि शायद उन्हें कुछ ऐसा बयान दे करके शायद कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हो जाए, क्योंकि व्यापारी का पहला, जो मेरी टैगलाइन है, कि व्यापारी का पहला उद्देश्य है किसी तरह से आर्थिक लाभ दिया जाए। दूसरी बात मैं और जोड़ू, अमेरिका में इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां उस तरह से धूम नहीं मचा पा रही हैं। आप फोर्ड की, मैं खबर पढ़ रहा था कि वो इंडिया वापस आ रहे हैं। उस इंडिया वापस आने की खबरों में कितना सही कितना गलत, लेकिन एक कारण यह है कि इलेक्ट्रिक मार्केट अमेरिका में उस तरह से बूम में नहीं आ रही है जिस तरह से भारत में आ रही है। क्योंकि रोहित जी, भारत में हम चाहते हैं सबसे सस्ता क्या मिले, तो जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो सस्ती हैं, लेकिन अमेरिका में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की परफॉर्मेंस नहीं है। तो कहीं इलोन मस्क का भारत की इलेक्ट्रिक बाजार, जो बढ़ती हुई बाजार है, जो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच इलोन मस्क की इलेक्ट्रिक मार्केट को लेकर के, वो दुनिया में, अमेरिका भी भारत से बड़ा मार्केट आने वाले समय में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक मार्केट में भारत की बहुत बड़ी धूम है, बहुत बड़ा मार्केट है, हमें सस्ता चाहिए, और सस्ता जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इलोन मस्क कहीं ना कहीं पर अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए ही ये बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, अपनी गाड़ियों को बेचने के लिए और इंडिया के मार्केट पोटेंशियल को टैप करने के लिए बयान दे रहे। बहुत सारे और लोग भी इसमें घुसे हैं, मतलब लोग इन द सेंस के बिजनेसमैन ही इसमें घुसे हैं, जिनकी पैनी नजर इंडिया पर है। ताइवान, हाल में हमने देखा कि ताइवान भी प्रो इंडिया होता जा रहा है। एक जमाने में जब हमारा बचपन था, ये ताइवान, अमेरिका और ये सब तो इंडिया की ओर देखते ही नहीं थे, बड़ा गरीब कंट्री है। एक बहुत बड़ा रेडिकल चेंज आया। क्या क्या आप ये बताएंगे, मतलब दैट्स अ रेडिकल चेंज जिसपे सक्सेसिव गवर्नमेंट ने मेहनत की। इलोन मस्क के इस बयान के पीछे कहीं मोदी जी की पॉलिसी है कि एक बार बता देंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी और गडकरी साहब ने तो इनको रोका था कि नहीं भैया, यहाँ मार्केट यहाँ बनाओगे तब बेचोगे, वरना चलते नजर हो। तो कहीं उनका एक वर्ल्ड लीडरशिप या कहीं उनकी पावर दिखती है, सॉफ्ट पावर। देखिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, सॉफ्ट पावर तो हम बहुत, मतलब 3 दशक से हम धीरे धीरे वर्ल्ड के उन टॉप जगहों पर पहुंच रहे हैं, और इसमें हम पीक पर। अमेरिका में आप जितने काम करने लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, उनमें 60-70 कहीं कहीं 80% तक इंडियंस हैं। लेकिन मोदी जी ने क्या ऐसा कर दिया, जो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या 2014 के पहले लोग टेक्नोक्रेट इंडिया के बाहर नहीं थे, क्या 2014 के पहले चीजें ऐसी नहीं थी, क्या अचानक मोदी जी और बना दिए? ये बात सच है कि ये बात 3 दशक से चल रही है, 4 दशक से इंडियंस वहां जा रहे हैं, लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत उसको लीड कर रहा है। मोदी जब जाते हैं तो जो नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होती है वो, और उसके साथ साथ जो इंडियन इकोनॉमी को 10वें 11वें नंबर में जो झूल रही थी 2014 के पहले, उसे 5वें पर लेके आते हैं। ये जो मेन मुद्दा ये है,
दूसरी बात यह है कि दुनिया के सारे बड़े बड़े देश जो कि अब मंदी के दौर पर हैं, आप दुनिया में देख लीजिए, दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया, चाइना भी नहीं है, चाइना 3.5% में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3.5% में जूझ रहा है, हम 7-8% की तरफ जा रहे हैं, 7.75% तक हम ग्रो कर रहे हैं, तो इसलिए चाइना भी अब जो दुनिया में 10% 2 decades तक वो 10% के ऊपर लगातार सस्टेन ग्रोथ रखता है इकोनॉमी में, आज वो 3% में है, अमेरिका की इकोनॉमी की हालत आप देख ही रहे हैं, यूरोप की इकोनॉमी की हालत आप देख ही रहे हैं, तो संपूर्ण विश्व के पास आर्थिक समाधान, जो इकोनॉमिक क्राइसिस से निकलने का जो रास्ता है उसमें लगता है कि भारत की मार्केट है, और मोदी जी एक ऐसे नेता हैं जो भारत के बेनिफिट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, भारत की इमेज बिल्डिंग करने के लिए कुछ भी तैयार रहते हैं, तो उसमें भारत के जो एनआरआईज हैं उन्होंने उनका साथ दिया और मोदी जी ने उनको एक ब्रांड दिया, एक वैल्यू दी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा रोहित जी कि मोदी जी ने वो ब्रांड वैल्यू प्रदान किया, जो इंडिविजुअल लोग काम कर रहे थे उसे राष्ट्र से जोड़ा, भारत से जोड़ा, भारत के आर्थिक लाभ से जोड़ा और संपूर्ण विश्व को ये बताने में सफलता प्राप्त की कि भारत के साथ जुड़ करके आपको इकोनॉमिक लाभ भी होगा और उसके साथ साथ आप वसुधैव कुटुंबकम की हमारी कॉन्सेप्ट है, आप पॉलिटिकली भी आप भारत देखिए, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली हम दोनों ये कहने जा रहे हैं कि विश्व में भारत के रास्ते से ही चल करके आप आर्थिक लाभ भी ले सकते हैं और पॉलिटिकल क्राइसिस से भी बच सकते हैं, पॉलिटिकल स्ट्रगल से भी बच सकते हैं। कोई कोई वर्ड आपके पास मालदीव्स के लिए जिसने भारत का साथ छोड़ा चीन के लिए? देखिए उसके लिए तो मुझे सिर्फ एक वो फोटो याद आती है, आपको भी याद आ जाएगी, समुद्र के किनारे लकड़ी की कुर्सी पर बैठा एक व्यक्ति आराम से करके टेक लगाए हैं, ठीक है, वो बताता है भारत की कंफर्ट को मालदीव को लेकर के, हम उस तरह से परेशान नहीं है, आप मालदीव प्रो चाइना पॉलिसी खेल रहा है, वहां का जो चुनाव लड़के जीत के आए वो प्रो चाइना वाले हैं और हमारे कुछ 60-70 सैनिक थे वहां पर, उनको निकालने की बात कर रही, जबकि वो ऑपरेशनल थे, जो कोई रक्षा के लिए नहीं थे, लेकिन मालदीव को यह घमंड था और भारत का प्राइम मिनिस्टर जाता है अपने देश के एक छोटे हिस्से पर लक्षद्वीप पर और मालदीव को अपने 4-4 मिनिस्टर्स को सस्पेंड करना पड़ता है, ये भारत की सॉफ्ट पावर की नीति है, आप देखेंगे दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाला जो शब्द उस दिन हो गया था वो top 3 top 5 में ट्रेंडिंग में था वो लक्षद्वीप था, कितनी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई मालदीव को जाने को लेकर के, और ये बताया जा रहा है कि आने वाले 4-5 सालों में हम मालदीव के पैरेलल जो है लक्षद्वीप को खड़ा करने की स्थिति में आ जाएंगे, 1 या 2 5-star होटल थे मालदीव में, सॉरी लक्षद्वीप में, वो भी बंद हो गए थे, लेकिन इस घटना के बाद प्राइम मिनिस्टर के वहां जाने के बाद आप देखिए कितनी बड़ी तेजी से न केवल मालदीव में लोग सर्च कर रहे हैं जा रहे हैं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी बहुत बड़ी मात्रा में होगा और इसका कॉन्सिक्वेंसेस मालदीव को पता चल गया है कि क्या होने वाला है और 3-4 साल में वो दिखाई देगा, 3-4 साल में दिखाई दीजिएगा, सही बात है, और 5-star होटल सब बनने भी शुरू हो गए वहां पे। इंडिया की सॉफ्ट पावर एक जगह और जाती है, दैट इज द अमेरिकन मार्केट, और अमेरिका ने जो आज तक टेक्नोलॉजी किसी को नहीं दी थी वो भी देने के लिए तैयार है, चाहे वो प्रेडेटर ड्रोन्स हो या वो इंजन्स हो, जीई के इंजन जो कि तेजस में लगे हैं, तैयार है, बातचीत चल रही है, साथ में सैफरान भी आ गया, यानी कि फ्रांस भी आ गया कि हम भी इंजन दे देंगे, प्रेडेटर ड्रोन्स हमें मिल रहे हैं, क्या अमेरिका ने अपनी पूरी तिजोरी खोल दी, इलोन मस्क छोड़िए, अमेरिका ने पूरी अपनी तिजोरी खोल दी इंडिया के लिए, भाई साहब ले जाओ जो चाहिए। रोहित जी आप ये समझिए, यही वो अमेरिका है ना जो एक समय PL-17 गेहूं देने से मना कर देता है, 70 मैं अगर गलत नहीं हूं, जब भारत अपने लिए उत्पन्न कर पाता था जी, तो जी तो पाकिस्तान की युद्ध के समय पे उसने मना कर दिया था भारत से 200 नॉटिकल मील अगर मैं गलत नहीं हूँ 200 किलोमीटर के अंदर ही था शायद, 20 नॉटिकल मील ही रह गया था, मैं एग्जैक्टली फिगर भूल रहा हूँ, लेकिन वहां से वापस बुला लिया था अमेरिका ने उन गेहूं को देने के लिए कि भूखो मरो अगर आप हमारी बात नहीं मानते हैं, तो इसलिए अमेरिका की जो रणनीति बदली है वो भारत की जो सॉफ्ट पावर है अमेरिका में एक कारण, दूसरा भारत का बढ़ता बाजार, और तीसरा उसे पता है कि भारत की बढ़ती ग्रोथ को रोका नहीं जा सकता, उसके साथ इंडिया के साथ अब समझौता करके ही रहा जा सकता है,
तीसरा चौथा जो कारण मैं मानता हूं वो चाइना का इस तरह से जो ग्रोथ आया, और अमेरिका नंबर एक अगर रहना चाहता है तो उसकी मजबूरी ये है कि वो भारत के साथ आए और भारत के साथ मिल करके ही वो चाइना के साथ कंपीट कर सकता है। तो इसलिए भारत इस समय दुनिया की आवश्यकता है, अमेरिका की आवश्यकता है, अमेरिका भारत के बगैर चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता। चौथा एक कारण और भी है, दुनिया की सबसे बड़ी ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका, मैं नहीं मानता बट आधुनिक वर्डों में अमेरिका को माना जाता है, मैं मानता हूं वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो हम दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और अगर आधुनिक वर्डों में मान लें तो दुनिया की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका है। तो ओल्डेस्ट और बड़ी डेमोक्रेसी जब दोनों मिल जाते हैं तो सीधी सी बात है अमेरिका सोचता है कि हम ज्यादा कंफर्टेबल हैं, इंडिया डेमोक्रेटिक भी है, इंडिया दुनिया के पांचवें नंबर की इकोनॉमी है, इंडिया के बढ़ने पर अमेरिका को खतरा नहीं है। एकमात्र वही की एकमात्र देश है भारत जिसकी ग्रोथ पर किसी को तकलीफ नहीं होती है। चाइना की ग्रोथ पर तो तकलीफ होती है, दूसरे देश की ग्रोथ पर तकलीफ होती है, बट भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने जिसका इतिहास रहा है कि उसने कभी भी किसी राष्ट्र पर हमला नहीं किया। जब भारत ने धरती का नेतृत्व किया था, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे मौर्य पीरियड हो, चाहे गुप्ता का पीरियड हो, चाहे आप मुगल काल में हम शाहजहां और अकबर का पीरियड भी उसे जोड़ लेते हैं अगर, तो हमने देखा है कि हमने दुनिया के देशों पर कभी भी जब हम मजबूत रहे तो हमने कभी आक्रमण नहीं किया। इसलिए विश्व हमारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू चाइना। इस बात पे कई बार ये भी बोलते हैं कि आइदर डू ट्रेड विद इंडिया और गेट वैनिश्ड, मतलब जो लोग इंडिया से ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जो कंपनीज या इंडिया में नहीं आई हैं, आप बिजनेस नहीं चला पाएंगे ज्यादा देर, क्योंकि इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पे आपको एक मुश्त 140 करोड़ लोग मिलते हैं जहां पे आप अपना सामान ले जा सकते हैं, और चाइना की तरह कोई कर्व्स भी नहीं है। इससे आधे से कम पॉपुलेशन है यूरोपियन यूनियन की और आधे से एक तिहाई से कम पॉपुलेशन है अमेरिका की। इंडिया इज राइजिंग, इंडिया राइज कर रहा है और मिडिल क्लास बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसे में अगर ये सारी कंपनीज इंडिया नहीं आई तो क्या होगा? यही नहीं, एक जॉर्ज सोरोस भी है, उनका भविष्य क्या होता? वो तो इंडिया के खिलाफ बहुत बोलते हैं। देखिए, जो इंडिया के खिलाफ बोलेगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये बात तो है। दूसरी बात, हर दूसरा 6 में से 1 व्यक्ति भारतीय, 12 में से 2 भारतीय हैं वर्ल्ड में, हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। तीसरा, जितनी अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन है उससे बड़ा हमारे पास मिडिल क्लास, टोटल पॉपुलेशन का अपर मिडिल क्लास। तो हमारी जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी है वो टॉप 3 में आती है। तो हमारी जो मार्केट वैल्यू है, हमारी जो परचेजिंग पावर पैरिटी APPP है वो बहुत स्ट्रांग है, ये दुनिया की इकोनॉमिस्ट जान चुके हैं। अमेरिका जैसा देश व्यापारी है उसे पता है, और इसीलिए इलॉन मस्क के नजरिए से भी हमें दिखाई देता है, अमेरिकन राष्ट्रपति के नजरिए से दिखाई देता है, और वहां पर जितने लोग रहते हैं उनके नजरिए से भी दिखाई देता है कि अमेरिका में प्रो इंडियंस कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मतलब आप देखिए, वो पार्टियां जो भारत के विरोध में भी रहा करती थी, आज वो पार्टियां भी कहीं न कहीं पर भारत के समर्थन में है। तो इसलिए सिक्का बोलता है, पैसा बोलता है। तो भारत की जो इकोनॉमी है वो उसके साथ साथ एक बेहतर नेतृत्व, तो जो हमने कोरोना पीरियड में लोग हंसते थे कि हम वैक्सीन अपनी नहीं बना पाए, इसके पहले हमने कभी बनाई भी नहीं थी, लेकिन हमने दुनिया को वो करके दिखाया है। जब अमेरिका कोविड के समय में वो रिपोर्ट आया करती थी कि कोविड में भारत डेंस पॉपुलेटेड राष्ट्र है, क्या होगा भारत का, इस तरह से व्यंग होता था, लेकिन आप देखिए कि हमने दुनिया में सबसे बेहतरीन वैक्सीन बना के दिखाई। तो ये हमारे बेंचमार्क्स हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में हुए। हमने अब करेंसी को बंद कर दिया क्योंकि हम जो लोग उसको फेलोर मानते हैं, लेकिन एक नजरिए से मैं उसे सक्सेस मानता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्लैक मनी हो गई थी, और अगर ब्लैक मनी और ज्यादा मात्रा में हो जाती तो उसके बाद फिर इकोनॉमी को कोप अप करने में और ज्यादा समस्या आती। तो एक प्रत्यक्ष लाभ हमें वहां वो भी दिखाई देता। तो भारत सरकार ने जो बोल्ड स्टेप लिए, 370 का रिमूवल है, ट्रिपल तलाक है, राम मंदिर निर्माण है, इंडियन इकोनॉमी के लिए एलन मस्क जैसे लोगों को कह देना ओके टाटा बाय बाय, आप आए तो हमारे हिसाब से, नहीं तो जाएं। तो ये जो भारत का अपना कॉन्फिडेंस है, देखिए आप अपने पर भरोसा करते हैं विश्व आप पे भरोसा करेगा, तो भारत ने अपने आप पर भरोसा करना सीख लिया। फाइनली आपसे आखिरी क्वेश्चन, इंडिया को एक और अचीवमेंट मिला कल ही कि इंडिया के स्टॉक मार्केट हांगकांग स्टॉक मार्केट को पीछे छोड़ गया, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बना इंडिया के। ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का गेम है, मार्केट में जो हमारी कंपनीज हैं उनकी जो वैल्यू है उस टोटल एसेट को ऐड करके बताया जाता है,
ये हांगकांग वही था जो हैंगसेंग हम बचपन में देखा करते थे, ओह कितना ऊपर, आज हैंगसेंग को पीछे छोड़ दिया गया। इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड पावर, इंडिया इकोनॉमी में, ट्रेड में, हर जगह। इसका अब आपको इसका क्रेडिट भी आप प्राइम मिनिस्टर मोदी को देना चाहेंगे, और साथ में नेक्स्ट हम आगे क्या देखते हैं? देखिए, जो शेयर मार्केट होता है मनुष्य के शरीर के ब्लड प्रेशर की तरह होता है। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, खड़ा से बीपी चेक करता है पहले, बोले बीपी ठीक है, बोले ठीक है। तो जो शेयर मार्केट है ये बताता है, ये क्या बताता है कि सब ठीक है, इकोनॉमी सब ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो शेयर मार्केट देखिए, अब हम जब 1991-92 में हमने एलपीजी लेके आए, लिबरलाइजेशन लेके आए, प्राइवेशन लेके आए, ग्लोबलाइजेशन लेके आए, वो क्रेडिट पहले क्रेडिट में मनमोहन सिंह जी को दूंगा और पीवी नरसिम्हा राव को दूंगा कि उन्होंने एक बड़ा हर्डल दूर किया, जो जवाहरलाल जौहर मॉडल था जिसमें सब कुछ गवर्नमेंट सेक्टर का था और प्राइवेट सेक्टर भी किनारे ढकियाया हुआ पड़ा था। ठीक है, हमने उसको अपनाया, लेकिन हुआ क्या, उन 40 सालों में हम 2% से ज्यादा ग्रो नहीं कर पाए। एक या दो बार ऐसा है जब हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया, शायद कंफर्म है, पहली पंचवर्षीय योजना में हमने टारगेट को गेन किया था, सेकंड में हम टारगेट से पीछे रह गए थे, थर्ड फोर्थ में भी हम लगभग फिर हमने 2% से ज्यादा ग्रोथ गेन नहीं की, हिंदू विकास दर कहलाती थी हमारी। तो उसके बाद मनमोहन सिंह आए और पीवी नरसिम्हा राव आए और उन्होंने देश की इकोनॉमी में एलपीजी लेकर के आए। उस एलपीजी के आने के बाद कोई भी सरकार एलपीजी को रोक नहीं पाया, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने उस जो नींव डाली गई थी मनमोहन सिंह के द्वारा, बिल्डिंग बनाई गई अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, और उसको खूबसूरती से इंटीरियर जो सजाया गया और उसके ऊपर की जो दूसरी बिल्डिंग बनाई गई, मैं कहूंगा वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा। तो मनमोहन सिंह को एज ए प्राइम मिनिस्टर तो मैं बहुत ज्यादा याद करना पसंद नहीं करूंगा, लेकिन एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मैं उनका हमेशा सम्मान करूंगा कि उन्होंने कांग्रेस की उस लीगेसी को तोड़ने में बड़ा सहयोग दिया, कांग्रेस को उस अप्रोच को तोड़ने में बड़ा सहयोग दिया जो 1950 से 51 से चली आ रही थी। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए तो देखिए, इस समय नरेंद्र मोदी जी भारत की गति को तेज करते हैं। मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कानपुर से दिल्ली आना हो तो एक गोमती ट्रेन भी है और आप वंदे भारत से भी आ सकते हैं, तेजस से भी आ सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेन से आ रहे हैं। तो गोमती से जाएंगे तो सफर 12 घंटे का हो जाएगा, और अगर आप वंदे भारत से जाएंगे तो 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सफर को गति दे दी है, भारत की स्पीड तेज हो गई है, जबकि कोविड जैसा एक वैश्विक महामारी भी इस बीच आ चुकी थी जहां भारत की ग्रोथ है -27 चली गई थी। -27% से जीरो में लाना और जीरो से 7 में लेके जाना, ये बहुत बड़ी घटना है और भारत ने ये दिखाया करके। अब देखिए, मैं तब स्टॉक एक्सचेंज की जो मैंने थोड़ी बात की थी इसको और कंप्लीट करता हूँ। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब ही है कि एफडीआई पर पूरा भरोसा, भारत के लिए गए फाइनेंशियल डिसीजन पर विश्व का पूरा भरोसा। जो लोग पैसा लगाते हैं वो इमोशनल होकर के पैसा नहीं लगा सकते, वो ये देखते हैं कि अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो हमारा रिटर्न कैपेसिटी क्या है, हम रिटर्न पा पाएंगे कि नहीं पा पाएंगे। तो इस समय जो हमने चौथे नंबर का जो शेयर मार्केट बने हैं, ये बताता है कि विश्व जनमत भी भारत के लिए गए इकोनॉमिक पॉलिसी से सहमत है और आने वाला जो उनका पैसा है वो सुरक्षित है। और अगर पैसा सुरक्षित है, इन्वेस्टर सुरक्षित है, इन्वेस्टर का भारतीय बाजार पर भरोसा है, तो आप ये मान के चलिए कि भारत नित नई आर्थिक ऊंचाइयों को छूने वाला है। यह वैश्विक जो इन्वेस्टर है उन्होंने भी इसकी सहमति दे दी। राइट थैंक्स अ लॉट आलोक पांडे जी फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।